हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज मैं क्लास ना घर से ले रही हूँ, ठीक है? और इसीलिए मेरी वीडियो विजिबल नहीं है, लेकिन ऑडियो आ रही होगी आप सभी को. ऑडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर दो मुझे. गुड मॉर्निंग राकेश, रंजीत, प्रियंका, कृष्णा, शंभू, इरफान, रंजीत मौर्या, नीतू कुमारी. गुड मॉर्निंग. ठीक है, थैंक यू. तो यहाँ से अभी थोड़ा सा ये प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको क्वेश्चंस तो करेंगे और इसको अभी 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोनाउन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो रूम से क्लास ले रही हूँ. चलो तो पढ़ाई शुरू करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम बाइंग अ गिफ्ट फॉर ब्लैंक. तो फॉर के बाद क्या आना चाहिए ये आपको आंसर करना है. फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या आएगा. सही आंसर क्या आएगा? बी. फाइन. क्यों आएगा, रीजन बता सकते हैं आप सभी? रीजन और बता दो एक बार. तो रीजन क्या है? फॉर अपने आप में क्या है? प्रपोजिशन है, और इसके साथ हमेशा केस कैसा आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है. ये आपको कल बताया था, 4 पॉइंट बताए थे कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करते हैं. तो हिज क्या है? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है. अवर क्या है? ये भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है. दे क्या है? सब्जेक्टिव केस है. और हर क्या है? ऑब्जेक्टिव. तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी. ठीक है, नेक्स्ट वन. हरी अप, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर ब्लैंक. तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए मैंने तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैंने आज घर से क्लास ली है. अक्षय, डॉक्टर को दिखाओ. अरे चिकन पॉक्स में कोई कुछ नहीं कर सकता, चिकन पॉक्स का है ही ऐसा हाल. चलिए, आ गया सभी का आंसर. वेल डन. जहां भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है और आराम से समझ आ जाएंगे, है ना? तो वंस अगेन, फॉर का अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो फॉर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन है. इसके बाद केस हमें कैसा चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस. यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है. योर पजेसिव होता है. दे सब्जेक्टिव केस है. वी भी सब्जेक्टिव केस है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ए. हरी अप, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू. जल्दी करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. थैंक यू एवरीवन. मैम आप अपने बॉडी का चेकअप कराएं. गुड. अरे सुजीत, ये ना ऐसे ही ठीक होता है धीरे धीरे. चिकन पॉक्स एक्चुअली मैं ही जल्दी उठ गई. 10 दिन के अंदर मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया. डॉक्टर ने मुझे 15 to 20 days रेस्ट के लिए बोला था, प्रॉपर रेस्ट, कहीं बाहर नहीं जाना है. मैंने ही पहले कर दिया. चिकन खा के नहीं होता, ऐसे नहीं बोलते ये. इनको माता बोलते हैं, छोटी माता, बड़ी माता, और इस तरीके से बोलते भी नहीं है. नारियल पानी मैं पीती हूँ डेली. चलो, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? प्लीज लिसन टू ब्लैंक केयरफुली, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज, कह रहा है, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनो, मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ. अगेन, अगर हम टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद केस कैसा लेता है? ऑब्जेक्टिव. आई सब्जेक्टिव केस है. मी ऑब्जेक्टिव केस है. दे सब्जेक्टिव केस है. बी सब्जेक्टिव केस है. राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी. ठीक है,
नेक्स्ट वन, योर सन इज क्लाइंबिंग द ट्री इन द गार्डन, लुक एट ब्लैंक. यस, गुड मॉर्निंग अनवर, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, वेल डन वंस अगेन, बहुत बढ़िया. ऐसे ही क्वेश्चन से आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे. सो वंस अगेन, अगर हम एट का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये अपने बाद कैसा केस लेता है, ऑब्जेक्टिव. हिज कैसा है, पॉजिटिव. हर भी कैसा है, पॉजिटिव केस. हिम कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस. और अस कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस. चलिए दो हैं, अब इनमें से कोई एक चाहिए. तो ये कह रहा है योर सन, तुम्हारा बेटा इज क्लाइंबिंग द ट्री इन द गार्डन, गार्डन में पेड़ पर चढ़ रहा है, उसको देखो. किसको, अपने बेटे को. तो सन के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम, उसको देखो. नेक्स्ट वन, इफ यू डोंट वॉन्ट टू वॉच टीवी प्लीज टर्न ब्लैंक ऑफ, यदि तुम टीवी देखना नहीं चाहते कृपया करके बंद कर दो. प्राइवेट कर दूं, ठीक है, जस्ट ए मिनट, प्राइवेट कर दिया है. डन 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 अखिलेश, चेक इट, चेक करो इसको, प्राइवेट शो हो रहा है. मैम हर, अच्छा हर भी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन सन बोला है ना डियर, तो सन लड़का हो गया, और लड़के के लिए ऑब्जेक्टिव केस तो हम हर यूज नहीं कर सकते, और बी का अस भी यूज नहीं कर सकते. बेटे के लिए ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो बेटा का जेंडर क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम. चलिए, इफ यू डोंट वॉन्ट टू टीवी प्लीज टर्न ऑफ, ठीक है आंसर आ गया, इसको क्या करो, बंद कर दो. तो अब किसको बंद करना है, टीवी को बंद करना है. टीवी, टीवी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन क्या आता है, इट. ये ध्यान रखना, जैसे मैन है ना, या कोई भी ब्रदर है, इनके लिए मतलब जो भी जितने भी मेल जेंडर होते हैं उनके लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही. और जितने भी फीमेल जेंडर होते हैं उनके लिए प्रोनाउन क्या आता है, शी. और जितनी भी थिंग्स होती हैं उनके लिए प्रोनाउन क्या आता है, इट. ये ध्यान रखना है आपको, है ना. तो यहाँ पर टीवी की बात हो रही है, इफ यू डोंट वॉन्ट टू वॉच टीवी, यदि तुम टीवी को देखना नहीं चाहते तो तुम इसको बंद कर दो. तो किसको बंद कर दो, टीवी को. टीवी के लिए क्या आना चाहिए, इट. तो प्लीज यू तो गलत हो जाएगा, और इट्स भी गलत हो जाएगा, योर भी गलत होगा. आंसर क्या बनेगा, इट. प्लीज टर्न इट ऑफ. नेक्स्ट वन, आई वॉन्ट टू हेल्प बट यू रिफ्यूज, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूं पर तुमने मना कर दिया. वैसे सबका आंसर सही था, वेल डन एवरीवन. बहुत बेसिक से मैंने यहां से कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, 10 क्वेश्चन तक बहुत बेसिक आएगा, उसके बाद हम कुछ चीजें और भी सीखने वाले हैं. नाइस, क्या बात है. सो आई वॉन्ट टू हेल्प बट यू रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना. मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं लेकिन तुमने क्या कर दिया, मना कर दिया. अब वॉन्ट क्या है, वर्ब. वर्ब के बाद हमें केस कैसा चाहिए, ऑब्जेक्ट. ये पजेसिव है, ये भी पजेसिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है. तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी. ठीक है, रीजन भी क्लियर होना चाहिए भाई, जिसको समझ में ना आए तुरंत टोक देना. ममता कुमारी, मैम 2 दिन क्लास छूट गई, समझ नहीं आ रहा. ममता कोई बात नहीं, वैसे रिकॉर्डेड क्वेश्चंस टॉप क्वेश्चन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, अभी आएंगे. वेट एंड वॉच, पहले बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो पहले. टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर आप ही लोग कंफ्यूज होंगे. फिर दे आस्क टू कम बट वी डिडंट एक्सेप्ट. दे आस्क टू कम, देखो अभी सिंपल एक रूल काम कर रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहाँ आता है, कहाँ आता है, वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद, लेट के बाद, और कंपैरिजन केस में ऑब्जेक्टिव केस आता है. सब्जेक्टिव केस कहाँ आता है, वर्ब के पहले, ठीक है. बस तो दे आस्क अगेन वर्ब है, हमें चाहिए कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस. ये सब, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट. They asked to come, उन्होंने हमें आने को कहा, but we didn't accept, लेकिन हमने नहीं स्वीकारा. तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इन्होंने बात किसकी की है, we, कि हमने इसको नहीं स्वीकारा. इसका मतलब इन्हीं लोगों से कहा होगा, और अगर इन्हीं लोगों से कहा होगा तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, us. तो ये आउट हो जाएगा, ये भी आउट हो जाएगा. They asked us, उन्होंने हमें कहा, to come, आने को,
बट वी डिंट एक्सेप्ट, लेकिन हमने इस बात को नहीं स्वीकारा। ये बात समझ में आई सभी को? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ? अस क्यों आया है? चलिए नाइस, नेक्स्ट वन। दे सॉ ब्लैंक व्हाइल आई वॉज वॉशिंग माई कार। दे सॉ ब्लैंक व्हाइल आई वॉज वॉशिंग माई कार। धनजीत क्लियर नहीं हुआ? एक बार फिर से समझ लो। अगर आपको किसी ने कुछ कहा, तुम कहो कि यार उसने मुझे कहा था, फिर हमने उसकी बात को नहीं माना, तो तुमको कहा था तो तुम्हारा सब्जेक्टिव केस तुम्हारे लिए क्या बनेगा? आई। और तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? मी। वैसे ही था वहां पे, बी सब्जेक्टिव केस था तो उसके अकॉर्डिंग अस आया था। अब दे सॉ व्हाइल आई वॉज वॉशिंग माई कार, जब मैं अपनी कार धो रहा था तो वो मुझे देख रहे थे। किसको? मुझे, मुझे देख रहे थे। तो ये पजेसिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस, हमें चाहिए कैसा? ऑब्जेक्टिव केस। राइट आंसर दे, दे सॉ मी व्हाइल आई वॉज वॉशिंग माई कार। क्वेश्चन नंबर 9। द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज्यादा गर्म है। आई कांट ड्रिंक, मैं इसको नहीं पी सकता। अब सोचो वस्तुओं के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? क्या बात है, अब ये भी बताया था। ये तो ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट ही चाहिए, बट टी के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? टी के लिए इट आएगा, क्योंकि टी क्या है अपने आप में? वस्तु। ये पजेसिव केस है, इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए था, सॉरी नाउन आना चाहिए था, तो ये नहीं आ सकता, हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। दीज बुक्स आर वेरी हैवी, आई कांट कैरी। ये किताबें बहुत ज्यादा भारी हैं, मैं इनको नहीं संभाल सकता। इट्स का यूज तब करते हैं जब हम उसके बाद कोई नाउन आ जाए। ऐसे भी बताती हूँ कैसे यूज करते हैं, वेट एंड वॉच। देखो अब यहां देखो, सब्जेक्ट है और ये थिंग है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है। अब होता है क्या कि अगर ही कैसा होता है, सिंगुलर होता है, शी कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इट भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और दे कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, अब दीज बुक्स आर वेरी हैवी, ये किताबें बहुत ज्यादा हैवी है, आई कांट कैरी, मैं इनको नहीं संभाल सकता। अगर मैं इट यहाँ पे लगा दूं तो इसका मतलब एक किताब के बारे में बात हो रही है, पर ऐसा तो नहीं है, ज्यादा किताबों के बारे में बात हो रही है। तो इट का जो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो जाएगा देम। क्या जाएगा? देम। तो आंसर क्या आएगा? देम, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल हम क्या यूज करते हैं? दे। तो यहां से इट हट जाएगा, दे हट जाएगा, मी हट जाएगा, आई कांट कैरी देम, मैं उनको नहीं उठा सकता। चलिए नेक्स्ट। आई मी ही शी इट दे आर कॉल्ड, ये कैसे नाउन है? पर्सनल, पोजेसिव, नन ऑफ देम। गड़बड़ मत करना, कल ही चार्ट बनवाया है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कल केवल एक ही कराया ये भी नहीं कह सकते, बहुत सारा कराया। ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें क्या आता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। और पॉजेसिव कब होते हैं? पॉजेसिव होता है माई, अर, माई, अर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पजेसिव है। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन। माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, अर्स आर कॉल्ड प्रोनाउन, ये किस प्रकार के प्रोनाउन है? हाँ, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ाया नहीं है तो अभी इस पर भी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं, बट पहले इसको क्लियर कर देते हैं, जितना पढ़ा है उतना पढ़ेंगे पहले। नाइस। तो अभी अभी मैंने बताया ये सब क्या है, ये सारे पजेसिव है, सारे पजेसिव है, सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है, ना ही ये डेमोंस्ट्रेटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव,
डिमोन्स्ट्रेटिव रिफ्लेक्स सिर्फ कौन से होते हैं, अभी इन पे चर्चा हम करेंगे। अब बताओ, आर ऑल्सो यूज इन सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म। कौन से नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में भी कर सकते हो और प्लुरल में भी कर सकते हो? पता हो तो बता देना, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हो, चलिए आ गया सभी का आंसर। तो आंसर क्या होगा? पजेसिव। पजेसिव किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो, प्लुरल में भी यूज कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट वन। आई लव मैंगोज एंड आई ईट अ लॉट ऑफ एवरी समर। मुझे आम बहुत पसंद है और मैं हर गर्मियों में इनको खाता हूं। किनको? आम को। तो आम के लिए सही प्रोनाउन क्या आएगा? नाइस। क्या जाएगा? वही बात है, आम वस्तु है, तो इट तो इसके लिए सिंगुलर होता, पर हमें इसका प्लुरल फॉर्म चाहिए क्योंकि ये प्लुरल है। तो क्या आ जाएगा? देम। आई ईट अ लॉट ऑफ देम एवरी समर। आई शिल टीच यू हाउ टू मेक अ काइट। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि कैसे काइट बनाते हैं। प्लीज लिसन टू ब्लैंक केयरफुली। कृपया मुझे ध्यान पूर्वक सुनो। टीचर के लिए बात आ रही है तो क्या आ जाएगा? मी। वेल डन। तो यहाँ 15 तक ही इसको अभी हम रखते हैं। इस पर भी और भी क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, बट फिलहाल के लिए 15 करते हैं। और कुछ जो एक्स्ट्रा है पॉइंट रह गए हैं उनको पढ़ के वापस से इस सीट पे हम आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुए 15 क्वेश्चंस में? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 15 क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट आया हो? अभी क्वेश्चंस हमारे पास 15 और है, बट कुछ थ्योरी करने के बाद वापस से करेंगे। इट और देन वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है पूनम, इसको हम दोबारा करते हैं, इट वाला, ठीक है, डोंट वरी। यस, दोबारा करते हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए। मैं बस एक इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। दूसरी फाइल मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ से, फिर उस पे काम करते हैं ना। अभी देखो दूसरी फाइल विजिबल है, प्रोनाउन दिख रहा है आपको सभी को। वन क्लास ओनली क्वालिफाइंग पेपर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्लिनिक ऑल क्लियर। वेल डन फरहत मैम। हाँ मैं विजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैं घर से क्लास ले रही हूँ। एक्चुअली तबीयत सही नहीं थी तो फिर मैंने आज रूम से ही क्लास ली। चलो अब करते हैं। प्रोनाउन क्लियर विजिबल है तो प्रोनाउन का थोड़ा सा आगे हिस्सा हम पढ़ते हैं। कल हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था और उसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, विच इज डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं संकेत वाचक। संकेत वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सिंपली दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो संकेत देने का कार्य करते हैं। और अगर देखा जाए तो दिस जो होता है वो कैसा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है, और इसका प्रयोग नियर यानी कि पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। वैसे अगर हम दैट को देखें, ये भी सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्रयोग फार यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दीज, दीज आपका प्लुरल फॉर्म होता है किसका? दिस का प्लुरल फॉर्म क्या होता है? दीज होता है। और ये आपका अगेन नियर यानी कि पास की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। और दोज जो होता है वो दैट का प्लुरल फॉर्म होता है और इसका प्रयोग फार यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। और बोल्ड लिखें, छोटा दिख रहा है, और बोल्ड लिखना है? शकुपता फिरदौस।
रिकॉर्डिंग वीडियो डेली रहता है। सुमन मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है, घर से क्लास ले रही हूँ, कैमरा ठीक से दिखेगा ही नहीं, कैमरा सही नहीं है इसका। विक्रम कह रहे हैं दे क्यों नहीं, क्योंकि जिसका दे होता ही नहीं है तो क्यों का कोई सेंस ही नहीं है इसमें, दे क्यों आएगा। जिसका प्लुरल दीज होता है, दैट का दोज होता है, वो तो अलग है, वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। इट भाई, इट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है डियर, ठीक है विक्रम, बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देती हूँ। चलो देखो, जैसे मैंने कहा अब यहां पे ऑप्शन दिए मैंने, अब सही दिख रहा है, बताओ क्या आंसर आना चाहिए दोनों में। दिस दैट है ना, हम क्या कहेंगे कि दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, और दैट इज योर्स, वो आपकी है। तो दूर का अगर आ रहा है तो हम क्या यूज करते हैं दैट, और अगर पास का सेंस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा अब वापिस से वही ऑप्शन से बताओ क्या आना चाहिए। मैम बैक स्लाइड पर जाइए ना प्लीज, फाइन अभी चलते हैं बैक पर, हाँ क्यों नहीं। तो हम क्या कहेंगे, दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स, ये मेरी किताब है वो आपकी है। एक्चुअली अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम जहां आपने दिस लिखा है वहां दैट भी तो लिख सकते हैं, और जहां पे दैट है वहां दिस भी तो लिख सकते हैं। बात आपने सही कही, लेकिन बोलने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप किसी को कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप जनरली जो हमारा सेंस जाता है पहले ये जाता है कि देख ये मेरी है वो तेरी है, ये मेरी किताब है ये तेरी किताब है, तो ऐसे नहीं बोलते वो तेरी है ये मेरी, मतलब तो जनरल जो सेंस जाता है वो इस तरीके से सेंस जाता है। तो इसीलिए जनरल सेंस में हम यहाँ पे बात करते हैं। जनरल सेंस के लिए सबसे पहले दिस, और दूर के सेंस के लिए दैट, बस इतना ही था इसमें। बैक जिनको देखना है वो बैक वाला पॉइंट देख लो, ये पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैम बुक्स बोथ स्टेज में नियर नहीं हो सकता। देखो अगर मान लो पास में भी है तो भी आप पास में भी है तो भी आप उसको वो कह के ही बोलोगे कि भाई ये मेरी है वो तेरी है ना। दूसरे के लिए तो दैट ही आएगा ना, दूसरे व्यक्ति के लिए दैट ही आएगा। चलो अब बढ़ते हैं ऐसा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चलते हैं। बट उससे पहले और इट पर भी आएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसके अंत में सेल्फ या सेल्स लगा हो। रिफ्लेक्सिव नाउन कौन होता है, जिसके अंत में सेल्फ या सेल्स लगा हो, और इस सेल्फ या सेल्स की हिंदी होती है स्वयं को या खुद को। का वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट है इसके बारे में, इसका यूज स्पेसिफिक वर्ब्स, विशेष
क्रियाओं के साथ करते हैं। इसका जो यूज होता है ना, विशेष क्रियाओं के साथ करते हैं, हमेशा यूज नहीं करते। ठीक है, करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। ठीक है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है अर सेल्व्स। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स। ठीक है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिम सेल्फ। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। ठीक है, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इट सेल्फ। एक होता है दे, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्फ। एक प्रोनाउन और होता है वन, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ। ठीक है, हाँ वोकैब कराएंगे। ये क्वेश्चन लिखा है, माय ब्रदर डिड द वर्क हिमसेल्फ। डियर, आपने जो शब्द लिखा है इसमें जो हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही नहीं। ठीक है, अब यहां से समझते हैं कि ये इसका यूज हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे क्या कहा आपसे कि इसके लास्ट में सेल्फ सेल्स लगा होगा, इसका हिंदी स्वयं को खुद को होगा, इसका यूज स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ करते हैं। एक पॉइंट और लिख लो इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वर्ब के तुरंत बाद आता है, ये खासियत है इसकी, वर्ब के तुरंत बाद आएगा और ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। और कौन सी वर्ब? विशेष वर्ब। सभी वर्ब के साथ नहीं आता, विशेष वर्ब। उन स्पेसिफिक वर्ब को मैं यहां लिख देती हूँ, कौन सी स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके साथ इसका यूज करते हैं। वो स्पेसिफिक वर्ब है एंजॉय, अवेल, प्रेजेंट, एब्सेंट, हर्ट, चीट, कट, किल, इंट्रोड्यूस, ईटीसी। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। अगर इनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है तो गलत माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ और आप बताना उसमें क्या है। शी एंजॉयड एट द पार्टी। इस सेंटेंस को देखो, शी इंट्रोड्यूस्ड टू द सीएम। मैम थोड़ा बढ़ा लिखीजिए इसको, अपने मोबाइल को आप टिल्ट कर लो क्योंकि ये पेन टैब से इतना ही दिखता है, फॉन्ट बड़ा नहीं हो सकता इसमें, पेन टैब में नहीं बड़ा होता। चलो तो अब देखो, शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, शी एंजॉयड। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब स्पेसिफिक आई है, ये आई है और इसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया। तो हमें करना पड़ेगा सी एंजॉयड, सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर सेल्फ एट द पार्टी। उसने स्वयं को
पार्टी पर एंजॉय किया था। सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द सीएम, उसने स्वयं को सीएम से परिचय कराया था। किसको? स्वयं को। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। एक और पॉइंट क्या है? यहां से ना ये हाइलाइटर आएगा, फिर देखो वो नहीं आएगा। हाइलाइटर का ही पॉइंट बड़ा है, स्पैन का पॉइंट बड़ा है ही नहीं। चलो यहां से देखो, एक होता है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन, और ये इम्फैटिक प्रोनाउन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, इसके इसके अंत में भी सेल्फ या सेल्व्स आता है, इसके अंत में भी यही आता है। और इसमें जो हिंदी होती है सेल्फ या सेल्स की हिंदी होती है स्वयं या खुद, इसमें का की के नहीं लगेगा। इसकी खासियत होती है यह नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद इम्फेसाइज करने के लिए, इम्फेसाइज का मतलब जानते हैं, बल या जोर देना करने के लिए प्रयोग करते हैं नाउन के तुरंत बाद। ये ध्यान रखना, इम्फेसाइज करने के लिए इसका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें वर्ब का कोई केस ही नहीं है, जैसे हमने कहा शी हरसेल्फ, सी हरसेल्फ मेड द फूड, या हमने कहा ही बताओ क्या आना चाहिए? सी अनवर जी कह रहे हैं सी हर सेल्फ एंजॉयड भी सो हो सकता है। अनवर जी क्लियर हो गया? क्यों नहीं हो सकता? दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में दो सवाल आ रहे थे, इसलिए दूसरा बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा था इम्फेटिक, क्योंकि तुम सारे के सारे इम्फेटिक यूज किए जा रहे थे। ठीक है, रूपा सिंगुलर में कभी भी वीईएस नहीं लगता है, वीईएस हमेशा प्लुरल में लगता है। ये आपको नाउन में भी कराया था कि एफ हटा के वीईएस कब लगाते हैं, प्लुरल बनाने के लिए। ही सिंगुलर है तो हिमसेल्फ आएगा। तो खासियत पहले यहां से ये समझो, दूसरा इस पे हम पहुंचेंगे वापिस से रिफ्लेक्सिव पे, पर ये बताना मेरे लिए फिलहाल जरूरी हो गया, क्योंकि सब लोग आप इम्फेटिक यूज कर रहे थे रिफ्लेक्सिव के प्लेस पर। मैंने कहा इसके अंत में भी सेल्फ या सेल्स आता है। ठीक है, सारे वही प्रोनाउन आने वाले हैं। इसकी हिंदी स्वयं या खुद होती है। इसकी खासियत क्या है, कैसे पहचानोगे ये इम्फेटिक है? ये या तो नाउन के तुरंत बाद आ जाएगा या प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगा, ठीक बाद, ठीक तुरंत बाद। अब इसका नाम रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब इसका नाम क्या है, इम्फेटिक। अब हमने लिखा ही हिमसेल्फ, अब देखो हिंदी में कैसे फर्क आता है। ही हिमसेल्फ परचेज अ न्यू कार, इसका मतलब बनेगा उसने स्वयं एक नई कार खरीदी थी। उसने स्वयं एक नई कार खरीदी थी। तो इम्फेसाइज किस बात पे हो रहा है, जोर किस पे हो रहा है कि भाई इसने खुद से खरीदी है, किसी इसके घर वाले ने इसको नहीं दिलाई है, उसने स्वयं एक नई कार खरीदी थी। उसने अपनी आप खरीदी है, अपने पैसों से खरीदी है, उसने किसी और से नहीं खरीदी। शी हर सेल्फ मेड द फूड, इसने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया है, किसी और से नहीं बनवाया। तो ये जो है प्रोनाउन पे क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है। अब चलिए पिछली वाली पे चलते हैं। अब यहां देखो ये था आपका रिफ्लेक्सिव, अब इसका हिंदी देखो। सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द सीएम, उसने उसने स्वयं का परिचय
सीएम से कराया था, उसने स्वयं का परिचय सीएम से कराया था, तो किसका परिचय कराया? स्वयं का। अब हम ये नहीं कह सकते उसने स्वयं परिचय दिया, नहीं, उसने खुद का परिचय कराया सीएम से, तो ये फर्क है। ये जो वर्ब है, अगर आप ऐसे लिखते हैं जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि सी हरसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड टू द सीएम, अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि आपने यहाँ इम्फेसाइज किया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वर्ब ऐसी है कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको चाहिए ही चाहिए, तो अगर आप यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे तो ये तो ग्रामेटिकली हो गया गलत। अब कारण जानो इसका, डेप्थ क्या, ये वर्ब कैसी है। एक्चुअली ये जो वर्ब है, सारी की सारी वर्ब ये है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, तो कर्म सहित ही आएगी। अगर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब ये क्रिया तो सकर्मक थी और आपने इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, गलत हो गया। मैंने क्या लिखवाया था आपको? मैंने ये लिखवाया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। किसके? क्रिया का ऑब्जेक्ट। क्रिया का ऑब्जेक्ट क्यों बनता है? क्योंकि ये क्रिया ही कैसी होती है, ये सारी की सारी क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट है नहीं। क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट, ये भी देख लो। ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये प्रेपोजिशन था। आपको कल पढ़ाया गया था कि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो भैया ये वाला ऑब्जेक्ट तो प्रेपोजिशन का हो गया ना, इस वर्ब का तो है ही नहीं। इस वर्ब का यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं था, ये तो प्रेपोजिशन है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, वर्ब भी ऑब्जेक्ट लेती है, और ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे ऐसी क्रियाओं के साथ जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, तो वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। अब बात क्लियर हुई सभी को? अब बात क्लियर हुई सभी को कि रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में क्या फर्क है? यही फर्क है। एक और खास बात होती है इसकी, वो भी देख लो, कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, या इनको इम्फेटिक कह लो, जितने भी रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं है ना, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते। इनका यूज आप कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा बताओ क्या गलती है इसमें? ज्यादा तो इंग्लिश नहीं पूछेगा, बोला है बेसिक ही कराया था हमने तो। अखिलेश, ये बेसिक में ही आता है, बेसिक ही है, आपको एडवांस कुछ नहीं कराया मैंने अभी, कुछ है ही नहीं हार्ड। ये माइसेल्फ वाला खुद आप यूज करते हो, आपको डिफरेंस सीखना पड़ेगा, ये है ही नहीं हार्ड। मैंने हार्ड तो बिल्कुल छोड़ दिया है, बेसिक बेसिक करा रही हूँ बस। माई सेल्फ रॉन्ग है, आपको मुझे समझाना पड़ रहा है ये रिफ्लेक्सिव जस्ट बिकॉज ऑफ इम्फेटिक प्रोनाउन, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। देखो, ही एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू दिल्ली, मैंने कहा कि जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक है, इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते। अब वर्ब से पहले केस हमारे पास कैसा आता है? सब्जेक्ट। ये तो सब्जेक्टिव केस है, पर ये कैसा? ये तो रिफ्लेक्सिव है। हम अगर देखें तो ये किस फैमिली से है? आई से। आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई पजेसिव होता है, माइन पजेसिव होता है, और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव होता है। अब बताओ हमें कैसा केस चाहिए? सब्जेक्ट। तो हमें क्या लेना चाहिए यहाँ पे? आई। अब मान लो कुछ लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि माई सेल्फ इज सुमित कुमार। अब बताओ
इसमें क्या गलती है इस वाक्य में? मैं तो आपको बेसिक पे ही ला रही हूं। अरे रिफ्लेक्स अगर हार्ड लग रहा है तो सिर्फ इतना, ये वाली लास्ट वाली लाइन याद रखो, मत पढ़ो उसको, उन क्रियाओं को याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं करते। सुमित थैंक यू बोल रहे हैं। चलो तो अगेन गलत हो गया, माई सेल्फ इज सुमित कुमार कहना गलत है। आपने देखा होगा अक्सर जितने भी स्पोकन वाले होते हैं अपने आप को माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन करते हैं, तो नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली गलत होता है। अब हमें वर्ब से पहले बताओ केस कैसा चाहिए, बताओ जरा, वर्ब से पहले केस हमको कैसा चाहिए? वर्ब से पहले केस हमको चाहिए सब्जेक्ट आई, हो गया। अब आई अपने साथ इस तो लेता नहीं है, आई के साथ क्या आता है? एम, तो सही फॉर्मेशन क्या हो गया? आई एम सुमित कुमार, मैं सुमित कुमार हूं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक आपको यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है? तो कभी भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, या तो ऐसे बोलो कि मेरा नाम सुमित कुमार है, या आप कैसे कह सकते हो माई नेम इज सुमित कुमार। ये वाला सबको पता ही था, ये वाला इंट्रोडक्शन गलत होता, या तो ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, ठीक है? चलो तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला यहां से हो गया, ठीक है? ऐसे ही ध्यान रखना, हु का यूज जो किया जाता है पर्सन के लिए करते हैं, विच का प्रयोग थिंग्स के लिए करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और क्या याद रखेंगे? ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है यहां से, ठीक है? अब बताना क्या आना चाहिए। बताओ क्या आएगा, ईच या एवरी? दिस इज सुमित कुमार कब होगा? ये तब होगा जब आप उसको इशारा करके समझा रहे होंगे। ईच आना चाहिए, वेल डन, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट इज माई फेवरेट, टू स्टूडेंट, दोनों विद्यार्थियों में प्रत्येक मेरा क्या है? फेवरेट है, पसंदीदा है। अब एक और बताना, गड़बड़ हो जा रहा है, इसको यहां यूज ही नहीं कर सकते, इसको यूज ही नहीं कर सकते, इसको हटा ही देते हैं। एवरी वाला केस गलत हो जाएगा डियर, है ना? क्योंकि एवरी, एक्चुअली एवरी का जो यूज होता है वो हम प्रोनाउन के तौर पे नहीं करते। ईच का जो यूज होता है वो प्रोनाउन के तौर पे कर सकते हैं। चलो अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। बताना क्या आना चाहिए।
वेल डन, क्या जाएगा? यस, यहाँ आ जाएगा आपका आंसर विच, क्योंकि बुक के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच। और ये ध्यान रखना हुज जो होता है ना, हुज वो किसका या किसकी के सेंस में होता है ना। तो जैसे मैं कहूँ, यह किसकी किताब है, तो अब बताओ क्या आना चाहिए, हु विच हुज हुम, क्या आना चाहिए? यह किसकी किताब है, जब रिलेशन बताना हो तो हुज का यूज करते हैं, हुज आएगा कि यह किसकी किताब है। यहां पे आंसर क्या आ रहा है, किसकी किताब है, किसकी है, तो हुज आना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा हुज। तो इसको मैं आपके पास भेज देती हूँ, यहां से बस इतना ही बहुत है, इसको सेव कर लेते हैं। और आपको हमसे भेज देते हैं सेव करके, बस एक मिनट रुकना, ये मैं सेव करके आपके पास भेज रही हूँ। और कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। विच वाला रिपीट करें। ओके, विच का जो प्रयोग किया जाता है वो वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगर आपको ये पता करना है कि वस्तु कहाँ है ना, वस्तु किसकी है, तो किसकी है तो विच यूज करो। मैडम हुज के साथ इज आएगा का? क्यों नहीं आएगा? अच्छा हाँ, इसमें ये गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, वो एक पॉइंट गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ उसको रिपीट करूं, एक सेकेंड रुको, कर रही हूँ कर रही हूँ, एक सेकेंड, वीडियो हटाई है मैंने, एक सेकेंड, कर रही हूँ। देखो यहां से देखते हैं, दोबारा देख लो, हुज इज दिस बुक, यह किसकी किताब है। या दूसरा तरीका ये भी है, जो अभी एक स्टूडेंट ने लिखा, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। इसमें हिंदी में फर्क आ रहा है ना। ये भी आप कह सकते हो, हुज बुक इज दिस, इसका मतलब क्या होगा, यह किताब किसकी है। और यहां अगर देखेंगे तो यहां सेंस क्या है, यह किसकी किताब है, ये फर्क है, हुज इज दिस बुक, ये दोनों फर्क है। एक्चुअली यहाँ पे जो हुज फिर इस तरीके से आ रहा है ना, ये तो पजेसिव बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड बन रहा है, बस ये फर्क है। अगर हम हुज को यहाँ लेके आ रहे हैं तो ये जो वर्ड बन रहा है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन रहा है। तो जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। और अगर हम उसके तुरंत बाद यहाँ पर नाउन यूज करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पे इंटरोगेटिव के साथ साथ यहाँ पे जो सेंस जा रहा है इसका, पॉजिटिव सेंस जा रहा है। ठीक है, जैसे विच बुक इज योर्स, ऐसे भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव भी होते हैं साथ साथ। तो जब पॉजिटिव बनेंगे तो इसके बाद हमारे लिए क्या चाहिए, नाउन। लेकिन जब ये अपने आप में इंटरोगेटिव बनेंगे तो ये अकेले आएंगे, विच इज योर्स, विच इज योर बुक, इनमें से तुम्हारी किताब कौन सी है। ध्यान रखना जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं वो सारे के सारे डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, हु हो गया, वॉट हो गया, विच हो गया,
है ना, या फिर हुम हो गया, या आपका हुज हो गया, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द होता है। अब जब ये प्रश्नवाचक शब्द बन ही गया है तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? प्रश्नवाचक का मतलब ये कि पहले क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, देन हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, देन सब्जेक्ट आना चाहिए, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से होना चाहिए स्ट्रक्चर, है ना। इंटरोगेटिव का मतलब यही है, और लास्ट में हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क चाहिए। अब हमने यहाँ पे हु का यूज अगर शुरू में किया तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर ये हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर ये बनेगा हु, तो ये सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। जैसे दिस इज द बॉय हु स्टोल माय बुक, यह वही लड़का है जिसने मेरी किताब चुराई थी। अब मैं इसको ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे जो हु है ये इंटरोगेटिव है, नहीं, अब ये क्वेश्चन के बीच में आ गया, अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो किसी भी वर्ड का जो पोजीशन होता है वो भी मैटर करता है। कई बार वर्ड तो सेम रहता है लेकिन उसकी पोजीशन की वजह से उसका टाइप बदल जाता है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना। और अगर मैं ऐसे कहूँ हु हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है, अब यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये इंटरोगेटिव है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? एक सेकेंड, अब दिख रही है स्क्रीन? दोबारा दोबारा करती हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, दोबारा करती हूँ। अभी दिख रही है स्क्रीन? एक बार देखना, स्क्रीन विजिबल है? दिख गया ना? ओके फाइन, चलो। तो ये जितने भी WH वर्ड होते हैं सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, बट इनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में अगर आएंगे तो उसके बाद इनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और इन द एंड क्वेश्चन मार्क चाहिए। और जब भी ये WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन बनती है तो ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं। वॉट भी रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, वॉट भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा और सेंटेंस के बीच में आएगा। जैसे मैं कहूँ आई डू वॉट आई लाइक, मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है। अब ये इंटरोगेटिव नहीं बचा, अब ये वापस से क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, मैंने कहा विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा? एक तो ये है, और एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस, आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस विच इज माई फेवरेट, मैं इस घर को खरीदना चाहता हूं जो कि मेरा पसंदीदा है। अब ये विच किस में आ गया? सेंटेंस के बीच में आ गया, इसकी पोजीशन क्या हो गई? रिलेटिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस के शुरू में है तो ये क्या है? आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक तरीका और, विच पेन इज योर्स, इनमें से तुम्हारा कौन सा है, इन पेन में से तुम्हारा कौन सा है? अब ये पजेसिव हो गया, ये ध्यान रखना। अगर नाउन आ जाएगा इसके तुरंत बाद तो ये पजेसिव हो जाएगा। हाँ राइट है, क्यों नहीं राइट है? विच पेन इज योर्स ये भी राइट है, विच इज योर पेन ये भी राइट है, क्यों राइट है देख लो। देखो होता है क्या कि
कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है जब इसके साथ नाउन यूज करते हैं तो ये बराबर हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन के। तो अगर आप कोई भी चीज ऐसे यूज किया आपने योर पेन, और इसकी जगह अगर आपने डायरेक्ट योर्स लिख दिया तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखो यहां हमने योर पेन लिखा, यहां हमने योर्स लिख दिया, या हमने विच प्लस नाउन लिखा है ना, यहां हमने विच लिख दिया, बात बराबर ही है वो। क्लियर है? अब सेंड कर दें? हाँ, तो मैं मना कर रही हूँ, बिल्कुल सेंड करते हैं। आपको पीडीएफ सेंड कर दें अब? चलो बस एक मिनट रुको, पीडीएफ सेंड करती हूँ। बस अभी सेंड कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। ये आपके पास पीडीएफ आ रही है, मैं इसको अटैच कर देती हूँ। हाँ, वो पजेसिव हो गया कृष्णकांत, पजेसिव भी हो गया वो, साथ साथ इंटरोगेटिव भी है और पजेसिव भी है साथ साथ। एक्चुअली ये वर्ड ना बहुत थोड़ा डेप्थ चली जाती है ग्रामर, बहुत सारे वर्ड क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो आपके एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, सिंपल एडवर्ब भी होते हैं। तो बस थोड़ा सा है, एक पीडीएफ में और भेज रही हूँ आपको है ना, जो मैंने शुरू में टेस्ट कराया था वो और दे रही हूँ, बस एक मिनट रुक जाना। पंद्रह क्वेश्चन कराए थे, 15 रह गए, खुद से कर लेना उसको, नहीं समझ आए मुझसे कल पूछ लेना। ये वाला और ले लो, एक सेकेंड, प्रोनाउन का बेसिक प्रैक्टिस सेट है ये, है ना? साइंस की क्लास बढ़िया चल रही है आपकी? थैंक यू शोभा, आप बहुत अच्छे समझाती हो। मैम विच प्लस नाउन होगा, डियर विच प्लस नाउन होगा तो विच का पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाएगा, पोजेसिव हो जाएगा, ठीक है? पोजेसिव हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अखिलेश ये एग्जाम पहली बार होगा, प्रीवियस कैसे हो सकता है? प्रीवियस तो हम बस उसका कराएंगे, डी ट्रिपल एस बी का करा देंगे, केबीएस का करा देंगे, वो तो यूट्यूब पे भी चल रहा है। साइंस क्लास ठीक नहीं है? क्यों ठीक क्यों नहीं है, क्या हो गया? अच्छा पीडीएफ मैंने पिन नहीं की क्या? अरे यार शिट, आपके पास पहुंच गई सबके पास? मैम अच्छा नहीं टीच करती। अच्छा क्या समझ में नहीं आता बताओ जरा। साइंस की मैम, ओके, देखा मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही थी इसलिए, फाइन। अच्छा एक काम करना, सुनो मेरी बात, क्लास सही नहीं होती, साइंस की क्लास है, बहुत एडवांस बताते हैं, जो कि 6 से 7 क्वेश्चन आना है, कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक से पढ़ाते नहीं, नेटवर्क सही है उनका, मैम फेंकी मारती आप। हाँ मैंने भी ऑन किया है वीडियो, वो छोटा बच्चा समझती है सबको, साइंस अच्छा पढ़ाती है सब जगह। चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, मैं बात करती हूँ मैम से, डोंट वरी, ठीक है? ल्यूसेंट से लाइन बाई लाइन लिखा रही है। अच्छा ऐसा है क्या? तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे? कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ मैम से, और सुनो मेरी बात, मैम को बोलना कि मैम हमें और अच्छे से एक्सप्लेन कराइए।
ये अविनाश क्या कह रहे हैं, मैम आपका वॉइस है ना, एक बार बोल दीजिए ना बाबू ने खाना खाया। अरे ये मैं आज जिंदगी भर ना बोलूं। कंप्यूटर वाले प्राइमरी में नहीं भर सकते? भर सकते हैं, भरने को क्या है। ल्यूसेंट की बुक से रीडिंग करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी ल्यूसेंट ही नहीं पढ़ी आज तक। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। आप सबसे कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर प्रोनाउन समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, है ना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना। ओके चलो, मैम को बोल दूंगी कि मैम अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से, इनडायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि बच्चों ने शिकायत किया है, बट हाँ बोल देंगे उनको, ठीक है। टेक केयर, और आपको क्या काम करना है, मेरे को डेली 5 स्टार दे के जाना है, बिकॉज इतनी खुशी मिलती है ना मुझे, ऐसा लगता है मैं गाना गाऊं कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। बट थैंक यू, आप लोगों की वजह से मुझे ये वाली खुशी सबसे अच्छी लगती है। पीडीएफ मैंने भेज दी मोहसिन, भेज दी मैंने पीडीएफ, दोबारा भेज देती हूँ। वैसे मैंने भेज दी पीडीएफ, बस वो अटैच नहीं कर पाई बाई मिस्टेक। जस्ट वेट, थैंक यू। चॉकलेट में पक्का, देखो मैं सोच रही हूँ अगर मेरा प्लान हुआ ना पटना आने का, मैं पक्का चॉकलेट आप लोगों को लाऊंगी। चलो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। 33 साल के हैं ना बेटा, बोल देती हैं। अरे बाबा मैं कभी नहीं बोलती, मुझे नहीं बोलना होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार आई डोंट नो कि कितने लोग मुझसे सीनियर होंगे, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स बोलती हूँ इसीलिए। और जब शुरू में मैंने सबसे पहले जो मैथ भी पढ़ाया था, एक्चुअली टीचिंग एग्जाम्स का ही पढ़ाया था, टैट वाला, सुपर टैट का, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि सुपर टैट में बहुत ज्यादा सीन, उस टाइम जब मैं पढ़ाती थी तो काफी सीनियर थे। समटाइम्स आई लाइक कि कुछ कुछ आंटी भी थी, उनको ऐसा लगता था कि मैं उनकी बेटी जैसा जैसी हूँ, क्योंकि उनकी एज थी, वो जो पढ़ती थी वो कहती भी थी, मेरे को बहुत प्यार भी करती थी, ऐसे करके चले जाती बेटा। फिर मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता कि यार इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये मेरे को मैम बोल रहे हैं। तो एक बार उन्होंने बोला खुद कि मैम कोई बात नहीं, आपको हम मैम बोलते हैं क्योंकि आपका वो औहदा है। बट मैं कभी भी बेटा वर्ड मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, स्टूडेंट्स बोलती हूँ इसीलिए तब से। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इन कुछ टीचर्स को ना आदत हो जाती है किसी को बाबू कहने की, किसी को बेटा बेटा बोलने की। आपका काम केवल इतना सा है, जो हम आप जिस उद्देश्य से हो, आपका उद्देश्य है कंटेंट को ग्रैब करना, बस जो मेन काम है ना उस पर फोकस करो। उन्होंने बेटा बोला, साइड में जाने दो, मेन काम फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो और लेट इट बी, जाने दो चीजों को और एग्जाम क्लियर करो। अल्टीमेट एम है एग्जाम क्लियर करना। किसी भी टीचर से बहुत ज्यादा मोह ममता छोड़ो, कंटेंट से बहुत ज्यादा प्यार करो, बहुत ज्यादा प्यार पढ़ाई से करो, बस इतना चाहिए, बाकी जाने दो। अपना अल्टीमेट एम है एग्जाम क्लियर करना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कोई बात नहीं, बाय बाय। 5 स्टार देना मत।